आज हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में। ठीक है, टैक्सोनॉमिक एड्स मतलब टैक्सोनॉमी का जो स्टडी। टैक्सोनॉमी के बारे में हम लोग पिछले दोनों वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़े हैं, है ना। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, आपस में जो रिलेशन है, इवोल्यूशन, ये सब को देखते हुए जो प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं उसको टैक्सोनॉमी के अंडर में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब चीज़ों के टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए जो हेल्प करते हैं, ऐसे सभी चीज़ों को बोला जाता है टैक्सोनॉमिक एड्स। ठीक है, टैक्सोनॉमी के बारे में अच्छे से स्टडी करने के लिए बहुत सारे चीज़ों का हेल्प लेते हैं हम लोग, उसको बोला जाता है टैक्सोनॉमिक एड्स। ठीक है, हम लोग जानते हैं टैक्सोनॉमी का स्टडी बहुत अच्छे से करने से एग्रीकल्चर में हेल्प होता है, फॉरेस्ट्री में हेल्प होता है, इंडस्ट्री में, बहुत सारे बायो रिसोर्सेज के बारे में जानने के लिए हमको सुविधा होता है, बायोडाइवर्सिटी का उनके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ये सब चीज़ों के लिए जब टैक्सोनॉमी का स्टडी करते हैं हम, तो लेबोरेटरी में जैसे बहुत सारे प्लांट्स के बारे में हमको पढ़ना है टैक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो अभी हर टाइप के जो प्लांट्स हैं वो हमारे पास कैसे रहेगा, हमेशा तो साथ में नहीं रहता है, इसलिए लेबोरेटरी में हम लोग बहुत सारे प्लांट्स एनिमल का कलेक्शन करते हैं। ठीक है, फिर स्टडी करते हैं, यस, फील्ड स्टडी किया जाता है, उस जगह में जाके भी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल स्पेसिमेन का कलेक्शन करना जरूरी होता है प्लांट एनिमल का, तो बायोलॉजिस्ट लोग कुछ प्रोसीजर और टेक्निक बनाया है इसके लिए। ठीक है, क्योंकि हमको स्टडी के लिए बहुत सारे प्लांट्स भी चाहिए, बॉटनी पढ़ने के लिए, जूलॉजी पढ़ने के लिए बहुत सारे एनिमल्स चाहिए, तो एनिमल्स और प्लांट्स हमेशा स्टूडेंट को दिखाने के लिए तो नहीं मिलता है, है ना। तो स्टडी को अच्छे से स्टडी करने के लिए प्लांट्स और एनिमल का बहुत सारा कलेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, वो कलेक्शन करके उसका प्रोसीजर एंड टेक्निक, कलेक्शन करने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर एंड टेक्निक यूज़ किए हैं बहुत सारे बायोलॉजिस्ट लोग, जिससे कि बहुत अच्छे से प्लांट्स एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन में हेल्प हो सके और टैक्सोनॉमी का जो स्टडी है अच्छे से किया जा सके। ठीक है, इसी को बोला जाता है टैक्सोनॉमिक एड्स। तो टैक्सोनॉमिक एड्स में क्या होता है, हम लोग बहुत सारे प्लांट्स एनिमल का स्टडी करते हैं। ठीक है, कुछ लिविंग प्लांट्स एनिमल का भी स्टडी किया जाता है और कुछ डेड ऑर्गेनिज्म को भी प्रिजर्व किया जाता है स्टडी के लिए। ठीक है, जब डेड ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म को, मतलब डेड प्लांट, डेड एनिमल को जब हम प्रिजर्व करके रखते हैं तो दो टाइप का होता है, हार्बेरियम, प्लांट्स को जब डेड प्लांट को प्रिजर्व करते हैं हार्बेरियम में आता है। ठीक है, और एनिमल्स और कुछ प्लांट्स, कुछ प्लांट्स जैसे कुछ सक्यूलेंट प्लांट होता है, मांसलो टाइप का जो प्लांट्स होता है, जैसे एलोवेरा, उसको हम लोग हार्बेरियम के रूप में कलेक्शन नहीं कर सकते, तो उसको भी म्यूजियम स्पेसिमेंट टाइप का कलेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, मतलब कुछ डेड ऑर्गेनिज्म को कलेक्शन किया जाता है प्लांट एनिमल को, जो प्लांट डेड प्लांट्स को कलेक्शन करते हैं उसको हर्बेरियम बोला जाता है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को कलेक्ट रखते हैं उसको म्यूजियम बोला जाता है। ठीक है, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को कलेक्शन किया जाता है, बॉटनिकल गार्डन में प्लांट्स को कलेक्शन करते हैं और जूलॉजिकल गार्डन में, जूलॉजिकल पार्क में एनिमल्स को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये सब कलेक्शन से जो स्टडी करते हैं टैक्सोनॉमी का, उसको बोला जाता है टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो सबसे पहले हर्बेरियम टर्म यूज किए थे लीनियस, ठीक है, 1753 में लीनियस ने सबसे पहले बताए थे कि हर्बेरियम में प्लांट्स को हम कलेक्ट करके रख सकते हैं डेड प्लांट को। लेकिन हर्बेरियम की पूरी टेक्निक, किस टाइप से कलेक्ट करेंगे, क्या किस टाइप का मेथड्स अपनाएंगे, ये सब चीजें दिए थे लुका घिनी। ठीक है, लुका घिनी एक साइंटिस्ट थे इटली का, उसने दिए थे प्रोसीजर किस टाइप से हर्बेरियम का कलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये चारों पढ़ना पड़ेगा टैक्सोनॉमिक एड्स, टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए जो ये चारों चीजें हम लोग पढ़ेंगे, हर्बेरियम, म्यूजियम, बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हर्बेरियम देखते हैं। हर्बेरियम में क्या करते हैं, डेड प्लांट को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हर्बेरियम में हम क्या करते हैं, जो जैसे छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे जो हर्ब, छोटा जो प्लांट्स होते हैं, जैसे सरसों, ऐसे छोटे प्लांट्स को पूरी तरह से रूट सहित उखाड़ लिया जाता है।
ठीक है, रूट सहित उखाड़ लिया जाता है। उसके बाद उसको सुखाएंगे, सुखाने के बाद प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद उसको सीट में चिपकाया जाता है प्रिजर्व करके या फाइल में, ठीक है। तो बड़े बड़े जो प्लांटर रहते हैं उसको तो रूट सहित हम निकाल नहीं सकते, तो उसके ऊपर का भाग जो फ्लावरिंग वाला जो पार्ट रहता है थोड़ा सा काट के उसको 25 से 30 सेंटीमीटर तक ऊपर का भाग काट लिया जाता है जिसमें फ्लावर या फ्रूट्स बनता है, ठीक है। उस भाग को काट के निकाल लिया जाता है और उसका हर्बेरियम बनाया जाता है, ठीक है। तो हर्बेरियम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लांट्स को निकालेंगे, ठीक है। जैसे छोटे प्लांट्स को पूरा रूट सहित निकाल लेंगे और बड़े प्लांट्स का ऊपर का 25 से 30 सेंटीमीटर भाग जो है काट के निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लॉटिंग पेपर में, हम लोग जानते हैं, या न्यूज़पेपर भी हो सकता है, उसमें इसको दबा के रख देंगे। जैसे ये ताज़ा प्लांट है, फ्रेश प्लांट है, इसके ऊपर ब्लॉटिंग पेपर दबा के रख देंगे या न्यूज़पेपर। उससे क्या होता है, इसके अंदर के जितने भी वाटर रहता है वो एब्जॉर्ब कर लेगा ब्लॉटिंग पेपर या न्यूज़पेपर, थोड़ा सूख जाएगा। 24 घंटे अंतर अंतर दूसरा ब्लॉटिंग पेपर फिर देते हैं जब तक ये अच्छे से सूख नहीं जाता है, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा सनलाइट में सुखाया जाता है। सनलाइट में सुखाने के बाद इसको अच्छे से किसी मोटे चीज़ों में दबा दिया जाता है या प्रेस कर दिया जाता है, ठीक है। पूरा सूख गया, अब पूरा अच्छे से प्रेस हो गया, तो प्लांट्स को इस टाइप से हम लोग चिपका देंगे किसी फाइल में या कागज में, तो पूरा दिखेगा कि किस टाइप का फ्लावर होता है, कैसा फल होता है, कैसा लीप रहता है, स्टेम कैसा होता है, पूरी स्टडी कर सकते हैं हम। इस टाइप से स्टोर रखते हैं फाइल में और सीट में, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, कोई भी क्लासिफिकेशन, जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट का अलग अलग क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़े हैं, कोई भी एक क्लासिफिकेशन के हिसाब से इसको फाइल में सेट करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हमारे कंट्री में, इंडिया में जो हार्बेरिया का कलेक्शन होता है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम टाइप से होता है, ठीक है, उस टाइप से किया जाता है, उसमें जो रूल्स है। तो इसको बोलेंगे हर्बेरियम, ठीक है। तो हर्बेरियम को हम लोग एक बार देख लेते हैं। हर्बेरियम जो है प्लांट्स डायट जो प्लांट्स होते हैं उसको काटेंगे, काटने के बाद उसको ड्राई करेंगे, प्रेस करेंगे, उसके बाद सुखाएंगे और फाइल में चिपकाएंगे, यही मेन रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता है लोकल रीजन से भी, हम जिस जगह में रहते हैं वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के सब अलग अलग जगह में जाके भी हम कलेक्ट कर सकते हैं अच्छे अच्छे प्लांट्स का, और उसके टैक्सोनॉमी का स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो छोटे अर्बेसियस प्लांट्स जो रहते हैं उसको हम पूरे रूट सहित निकालते हैं, और बड़े बड़े वुडी प्लांट्स जो रहते हैं उसको 25 से 30 सेंटीमीटर तक ऊपर का भाग, फ्लावरिंग स्टेज वाला भाग जो है काट के उसके बाद इसको ऐसा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अच्छे से केयरफुली निकाला जाता है, निकालने के बाद ब्लॉटिंग सीट में डाला जाता है, ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर। हम लोग जानते हैं ब्लॉटिंग पेपर जो है पूरे जो लिक्विड भाग होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, इसलिए ब्लॉटिंग पेपर में इसको अच्छे से दबा देते हैं। दबा देने के बाद क्या करते हैं, सनलाइट में एक दो दिन, 24 घंटे अंतर अंतर दो तीन बार ब्लॉटिंग पेपर में दबाएंगे तो इसमें जितने भी नमी है वो सूख जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लॉटिंग पेपर में प्रेस करते हुए इसको सनलाइट में रख देंगे। सनलाइट में रखने से क्या होता है, अच्छे से ड्राई हो जाएगा, ठीक है। ड्राई होने के बाद क्या करेंगे, इसको प्रेस कर लेंगे, प्रेस कर लेंगे, या बहुत सारे मोटे किताब के अंदर दबा के भी बहुत सारे स्टूडेंट लोग रखते हैं, ठीक है, इस टाइप का करेंगे। उसके बाद जब पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा तो सेलो टेप से इसको या गम से चिपका देते हैं, ठीक है। सेलो टेप या गम से जब हम इसको चिपकाएंगे तो उसके ऊपर मर्क्यूरी क्लोराइड का स्प्रे कर देते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड का स्प्रे कर देने से क्या हो जाता है, इसमें इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है, बैक्टीरिया वायरस फंगस का कोई इन्फेक्शन इसमें नहीं हो पाता है, उसको फ्री करने के लिए ऐसा कहते हैं, ठीक है। और इसके जो राइट साइड में इसको ऐसे चिपका दिए सीट में और फाइल में, ठीक राइट साइड में नीचे हम उसके पूरे लेवलिंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सीरियल नंबर लिखेंगे, क्योंकि एक फाइल में बहुत सारा प्लांट्स चिपकाते हैं जिसको हर्बेरियम बोला जाता है, तो सीरियल नंबर के हिसाब से, जैसे फर्स्ट पेज है तो हम सीरियल नंबर 1 देते हैं, ठीक है। प्लेस ऑफ कलेक्शन, किस जगह से इसको हम कलेक्ट किए उस जगह का नाम देना पड़ता है। इस प्लांट जैसे सरसों है, इसका लोकल नेम क्या है, मतलब ऐसे ही लोकल भाषा में क्या बोला जाता है, तो मस्टर्ड,
सरसों बोलते हैं, जैसे बॉटनिकल नेम ब्रैसिका कॉम्पिस ट्रीज, इसके फैमिली का नाम लिखना पड़ता है, क्रूसीफेरी जो कलेक्ट किए प्लांट्स का उसका नाम लिखना पड़ता है, ठीक है, किस डेट में कलेक्ट किए वो लिखना पड़ता है, मतलब पूरा इंफॉर्मेशन इसके बारे में देना पड़ता है। हैबिट कैसा होता है प्लांट्स का, हर्बेसियस, छोटा सा हर प्लांट है इसलिए हर्बेसियस, इस टाइप से हर्बेरियम बनाया जाता है, बहुत सारे प्लांट्स का कलेक्ट किया जाता है और उस प्लांट्स को इस टाइप से पूरा सुखा के प्रेस करके ड्राई करके उसके बाद ऐसे चिपकाया जाता है और चिपका के एक के बाद एक फैमिली के हिसाब से रखा जाता है, ठीक है। इस टाइप से हम टैक्सोनॉमी का स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। कि सरसों का प्लांट्स हमको हमेशा लैब में नहीं मिलता, तो लैब में जब बच्चों को बताएंगे हम इसको हर्बेरियम को निकल के भी इसको दिखा सकते हैं कि देखो इस टाइप का फूल होता है, ऐसा फल होता है, इस टाइप का लीफ होता है, स्टेम ऐसा होता है, ठीक है। इसको टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए इस टाइप का बनाया जाता है। और अब क्या देखेंगे, जैसे ड्राइड पूरे तरह से ड्राई करने के बाद जो स्पेसिमेन रहता है उसको मर्क्यूरी क्लोराइड मिक्सचर्स का स्प्रे किया जाता है। कई बार जब हम फाइल को रखते हैं नेप्थोलिन बॉल चारों तरफ रख देते हैं जिससे कि इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। उसके बाद राइट कॉर्नर में इसके बारे में पूरा लेबलिंग ये सब किया जाता है, ठीक है। उसमें फैमिली, कलेक्टर नेम, ये सब चीज़ों को दिया जाता है। फिर हम बहुत सारे कलेक्ट करके ऐसे फाइल में जमा रखते हैं, उसको पढ़ने में हेल्प होता है। और रिसर्च सेंटर मतलब सिस्टमेटिकली प्लांट्स को अरेंज किया जाता है अलग अलग फैमिली का नाम लिख के ना, इसलिए बोला जाता है कि रिसर्च सेंटर फॉर प्लांट सिस्टमेटिक्स इस टाइप का बन जाता है, ठीक है। अब बहुत सारे प्लांट्स ऐसा रहता है जैसे एलोवेरा, ठीक है, या बहुत सारे सक्यूलेंट प्लांट बोलते हैं जिसको, जैसे जीरोफिटिक कैक्टस, ये सब प्लांट्स को हम कैसे दबाएंगे, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे लिक्विड मिलेंगे या मांसल रहता है इसलिए उसको दबा नहीं सकते, उसको क्या किया जाता है ऐसे जार में कलेक्ट किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि बॉटनिकल जो बॉटनी जूलॉजी वाले जो लैब रहते हैं उसमें ऐसे जार रहता है और जार के अंदर बहुत सारे प्लांट्स एलिमेंट को प्रिजर्व रखा जाता है, लिक्विड मीडियम में रखा जाता है, ठीक है। इसमें केमिकल रखा जाता है जिससे कि जो प्लांट्स एनिमल्स रहते हैं वो खराब नहीं होता। जो केमिकल यूज किया जाता है उसको बोला जाता है FAA सॉल्यूशन, ठीक है। FAA सॉल्यूशन के अंदर प्लांट से एनिमल को रखने से वो खराब नहीं हो जाता है, बहुत दिन तक बोतल में भरा हुआ रहता है। इसको बोला जाता है म्यूजियम स्पेसिमेन, ठीक है। इसमें क्या रहता है, 5 पार्ट फॉर्मेलिन रहता है, 5 पार्ट ग्लेशियल एसिटिक एसिड रहता है और 90 पार्ट इथाइल एल्कोहल और थोड़ा सा वाटर का लिक्विड सॉल्यूशन बनाया जाता है, ठीक है। 5 पार्ट फॉर्मेलिन, 5 पार्ट ग्लेशियल एसिटिक एसिड, 90 पार्ट इथाइल एल्कोहल और थोड़ा सा वाटर का सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एसीटोन जो है उससे क्या होता है, प्लांट टिश्यू स्वेल रहता है, मतलब जो भी प्लांट एनिमल टिश्यू होता है वो उसका साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। एसीटोन के यूज के कारण प्लांट टिश्यू स्वेलिंग होता है, साइज बड़ा हो जाता है। फॉर्मेलिन के यूज से क्या होता है, प्लांट मटेरियल या एनिमल का जो एनिमल्स जो रखते हैं उस हार्ड रहता है, ठीक है, नरम नहीं हो जाता। नरम होने से हमको दिखेगा भी नहीं, ठीक से स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो प्लांट या एनिमल जो मटेरियल रहता है वो हार्ड रहता है फॉर्मेलिन के यूज से। और इथाइल एल्कोहल जो है उससे डिहाइड्रेशन होता है, मतलब इसके अंदर जितनी भी नमी रहता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो जार में ये 3 चीज़ें इसलिए मिला के वो ऐसे प्रिजर्व किया जाता है, इसको बोला जाता है म्यूजियम स्पेसिमेन, ठीक है। अब देखेंगे पूरे वर्ल्ड और इंडिया में बहुत सारे हर्बेरियम कलेक्शन किया गया है, ठीक है। जैसे हर्बेरियम ऑफ म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पेरिस, सबसे बड़ा मतलब हर्बेरियम, सबसे ज़्यादा हर्बेरियम इस जगह में कलेक्ट किया गया है, हर्बेरियम ऑफ म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पेरिस। 6.5 मिलियंस ऑफ स्पेसिमेन वहाँ रखा गया है, ठीक है। 6.5 मिलियंस प्लांट्स स्पेसिमेन जो है पेरिस के इस म्यूजियम में रखा गया है। रॉयल बॉटनिक गार्डन हर्बेरियम क्यू, इसमें 5 मिलियन से ज़्यादा हर्बेरियम रखा गया है। हर्बेरियम ऑफ ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, लंदन में है, इसमें 4 मिलियन हर्बेरियम रखा गया है। रिसर्च सेंटर टाइप का काम करते होता है यहाँ टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए,
क्योंकि इतना 6.5 मिलियन हर्बेरियम जहाँ हैं वहाँ लोगों को कितना हेल्प होगा पढ़ने के लिए, है ना। द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कोलकाता, ठीक है, कोलकाता में भी बहुत बड़ा हर्बेरियम है जिसको बोला जाता है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, ठीक है। वहाँ है 25 लाख स्पेसिमेन है, 25 लाख प्लांट स्पेसिमेन रखा हुआ है। हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून 15 लाख स्पेसिमेन रखा हुआ है, ठीक है। ब्लैटनर हर्बेरियम बॉम्बे 1 लाख स्पेसिमेन रखा हुआ है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन हर्बेरियम लखनऊ 80,000 स्पेसिमेन रखा हुआ है प्लांट स्पेसिमेन, ठीक है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन लोग भी बहुत सारा इस टाइप का म्यूजियम बनाए हैं, ठीक है, हर्बेरियम कलेक्शन करने। शिलोंग, शिलोंग में 1 लाख स्पेसिमेन रखा है। पुणे, पुणे में 1,35,000 स्पेसिमेन रखा हुआ है हर्बेरियम का। इलाहाबाद 40,000 हर्बेरियम स्पेसिमेन रखा हुआ है। कोयम्बटूर 1,75,000 हर्बेरियम कलेक्शन रखा हुआ है। देहरादून में 60,000 स्पेसिमेन रखा हुआ है, ठीक है। मैड्रस हर्बेरियम, मैड्रस में भी है, चेन्नई में 2 लाख हर्बेरियम स्पेसिमेन रखा गया है, ठीक है। इस टाइप से बहुत सारे जगह है जहाँ इतने सारे हर्बेरियम का कलेक्शन है जो कि रिसर्च सेंटर टाइप का काम करते हैं प्लांट्स के टैक्सोनोमी स्टडी के लिए, ठीक है। ये था हर्बेरियम। अब हम देखेंगे म्यूजियम। म्यूजियम में क्या करते हैं, हम लोग पढ़े थे हर्बेरियम में डेड प्लांट को प्रिजर्व किया जाता है और म्यूजियम में डेड एनिमल को और डेड प्लांट को भी प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। बायोलॉजिकल म्यूजियम ज़्यादातर सभी लेबोरेटरी में, जैसे जूलॉजी लैब, बॉटनी लैब में जिन लोग 11th 12th के बच्चे हैं, कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं, उन लोग जो उन लोग का जो लैब रहता है उसमें जूलॉजी और बॉटनी, प्लांट और एनिमल का इस टाइप का म्यूजियम स्पेसिमेन जरूर रहेगा, ठीक है। बहुत सारी जार रहता है, इस जार में लिक्विड रहता है भरा, हम लोग देखे हैं प्रिजर्व करने के लिए, और इसमें बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स कलेक्ट रहते हैं, ठीक है। हम लोग देखे हैं स्टारफिश, बड़े बड़े स्नेक, बहुत सारे प्लांट्स जो सक्यूलेंट प्लांट रहते हैं, और बहुत सारे मतलब लोअर प्लांट जैसे एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इसको हम लोग हर्बेरियम ज़्यादा नहीं बना सकते हैं क्योंकि ज़्यादा मिलता नहीं है, ठीक है। इसलिए ऐसे चीज़ों को भी म्यूजियम स्पेसिमेन बना के ही रखा जाता है, बहुत सारे बोतल में भरा जाता है और बोतल में लिक्विड प्रिजर्वेशन के लिए रखते हैं और इसको बंद किया जाता है और इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल म्यूजियम बोलते हैं उसको। एडुकेशनल इंस्टीट्यूट में, स्कूल कॉलेज में रहता ही है, ठीक है। तो बहुत सारे प्लांट्स जिसको हर्बेरियम हम बना नहीं सकते, एल्गी, फंजाई, मॉस, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उसको भी ऐसे ही स्पेसिमेन बना के रखा जाता है, ठीक है। क्योंकि स्टडी के लिए, बच्चों को देखने के लिए, जैसे मैराइन एनिमल, समुद्र के अंदर बहुत सारे जीव रहते हैं, उसको तो हम कलेक्ट करके बच्चों को दिखा नहीं सकते, है ना। तो ऐसे चीज़ों को भी ऐसे जार में रख के ही दिखाया जाता है, बहुत अच्छे से पता चल जाता है, हम देखेंगे तो किस टाइप का होता है स्पेसिमेन, ठीक है। एक कंटेनर में, जार में प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन देके रखते हैं। बहुत सारे ड्राई स्पेसिमेन को भी म्यूजियम में रखा जाता है, बहुत सारे ड्राई स्पेसिमेन जैसे इंसेक्ट, ठीक है। इंसेक्ट को पहले कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद मारा जाता है, मार के उसमें पिनिंग, पिन से पूरा अटका दिया जाता है चारों तरफ से, और दिखाया जाता है कि ये कौन सा ऑर्गेन है, ये क्या कौन सा है, इस टाइप सा, ठीक है। इस टाइप से ड्राइड स्पेसिमेन को भी रखा जाता है म्यूजियम में। और बहुत सारे जैसे बर्ड्स, मैमल्स और बहुत सारे ऐसे एनिमल होता है जिसको क्या किया जाता है, प्रिजर्वेटिव दे दिया जाता है और अंदर का भाग खाली कर दिया जाता है, ठीक है। अंदर के भाग खाली करने से क्या होगा, जो बहुत सारे टिश्यू जो खराब हो जाता है वो चांस कम हो जाता है, और उसके अंदर स्टॉप किया जाता है। स्टॉप मतलब बहुत सारे जैसे कॉटन अटन भर दिया जाता है, बाहर से देखने में सेम ऐसा ही सेप दिखता है, लेकिन अंदर जैसे बहुत सारे बर्ड्स हैं, बर्ड्स के अंदर का भाग खाली करके उसके अंदर कॉटन पूरा भर दिया जाता है और बर्ड्स को बाहर से ऐसे ही रखा जाता है प्रिजर्वेटिव दे के, ठीक है। तो बहुत सारे चीज़ों को इस टाइप से भी किया जाता है, मतलब हम लोग म्यूजियम स्पेसिमेन बना के प्लांट्स एनिमल्स को बहुत सारा रखते हैं प्रिजर्वेटिव दे के, बहुत सारे ड्राई स्पेसिमेन को भी रखते हैं, जैसे इंसेक्ट को कलेक्ट करते हैं, मारते हैं और पिनिंग, पिन से पूरा सेट किया जाता है, है ना, लेबलिंग किया जाता है। बहुत सारे एनिमल बर्ड्स को स्टफिंग मतलब अंदर के भाग में भाग खाली करके रुई भर दिया जाता है और प्रिजर्व करके रख दिया जाता है जूलॉजिकल म्यूजियम में,
ठीक है। और बड़ी बड़ी सिटी में बहुत बड़ी बड़ी म्यूजियम होता है वहाँ, जैसे स्कूल कॉलेज में इस टाइप का म्यूजियम बनता है, लेकिन बड़ी सिटीज में कुछ ऐसे म्यूजियम भी बनता है लोकल लोगों के लिए, खोल दिया जाता है देखने के लिए, ठीक है। उसमें क्या होता है, बड़े बड़े जो एनिमल्स होते हैं उसके स्केलेटन को भी रखा जाता है, बहुत सारे हड्डी को भी रखा जाता है, एनिमल सेल, नेल, स्केलेटन, याक का हॉर्न, डियर का हॉर्न, एलिफेंट का टीथ, ठीक है, एनिमल्स के हेयर, वो सब भी उसमें रख दिया जाता है म्यूजियम में, ठीक है। इसको बोला जाता है म्यूजियम, जहाँ डेड एनिमल और डेड प्लांट्स, मतलब कुछ प्लांट्स जो जिसको हम हर्बेरियम नहीं बना सकते, उसको कलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट म्यूजियम देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन, सबसे बड़ा म्यूजियम जो है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन में है। यूनाइटेड स्टेट नेशनल म्यूजियम वाशिंगटन, वाशिंगटन में भी बहुत बड़ा म्यूजियम है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट नेशनल म्यूजियम। फॉरेस्ट म्यूजियम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड में भी बहुत बड़ा म्यूजियम है जिसको बोला जाता है फॉरेस्ट म्यूजियम। एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इंडियन म्यूजियम कोलकाता, ठीक है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता में भी बहुत बड़ा एक म्यूजियम है जिसका नाम है इंडियन म्यूजियम। महाराजा सवाई मानसिंह सेकेंड म्यूजियम जयपुर राजस्थान। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यू दिल्ली। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, ठीक है। इसमें ऐसे बहुत सारे म्यूजियम, बड़े बड़े म्यूजियम हैं कॉलेज स्कूल के बायोलॉजिकल म्यूजियम के अलावा भी, जहाँ की बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स को कलेक्ट किया गया है, ठीक है। म्यूजियम से हमको क्या लाभ होता है, प्रिजर्वेशन और अरेंजमेंट ऑफ फॉसिल्स रिकॉर्ड। बहुत सारे एनिमल्स ऐसा होता है जो कि अभी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गया है, वो भी म्यूजियम में देखा जाता है, ठीक है। जैसे डायनासोर, डायनासोर के पूरे स्केलेटन कलकत्ता के म्यूजियम में रखा हुआ है, ठीक है। पूरा पता चलता है कि डायनासोर ऐसा होता था, उसके स्केलेटन ऐसा होता था, इस टाइप का दिखता था, वो सब पता चलता है। फॉसिल्स रिकॉर्ड्स के बारे में पता चलता है, जो पढ़ने के लिए भी हेल्प होता है, ठीक है। जो कि पहले किस टाइप का स्पेसीज होता था, अभी किस टाइप का स्पेसीज है, वो सब तो है ही। वो प्लांट्स एनिमल्स कैसा होता है उसके बारे में पूरा पता चलता है ना। कोई भी जार में हम पूरे स्पेसीज को जैसे रखते हैं, जैसे बड़े बड़े सांप, पाइथन, तो पूरा हमको सामने से बच्चों को दिखता है कि किस टाइप का होता है, ठीक है। इसका मॉर्फोलॉजिकल स्टडी तो बहुत अच्छे से हो जाता है म्यूजियम देखने से, ठीक है। अब हम देखेंगे बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। डेट में हम लोग देख लिए हर्बेरियम और म्यूजियम, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व में हम लोग देखेंगे बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है, बहुत सारे, इसको बोला जाता है एक सीटू कंजर्वेशन। एक सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि आउटसाइड में प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स को हम बाहर, मतलब उसके जैसा वातावरण देख के, जिस टाइप के वातावरण में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं, उस टाइप की जगह बना के उसको रखा जाता है प्लांट्स को, एनिमल्स को। इसको हम क्या बोलेंगे, एक सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, जिस एरिया में रहता है, जैसे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में इस टाइप के प्लांट्स एनिमल रहता है, उसी जगह को थोड़ा देखभाल किया जाता है कि ऐसे वातावरण, नेचुरल एनवायरमेंट ही उसको मिलता रहे और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। लेकिन एक सीटू कंजर्वेशन मतलब हम उसको बनाते हैं उस टाइप का माहौल, और उसमें प्लांट्स एनिमल्स को रखते हैं जिस टाइप के प्लांट्स एनिमल इस टाइप के माहौल में रह सकते हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे एक सीटू कंजर्वेशन। तो बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, दोनों एक सीटू कंजर्वेशन में आता है, क्योंकि हम उस टाइप का एरिया हम उनके लिए बनाते हैं और मेंटेन करते हैं, पूरी तरह से देखते हैं कि उस हैबिटेट में रह सके, ठीक है। तो बॉटनिकल गार्डन जो है एडुकेशनल इंस्टीट्यूट टाइप का काम करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बॉटनिकल गार्डन मतलब बहुत सारे प्लांट्स को कलेक्ट करके रखना, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप ऑफ प्लांट्स को हम कलेक्ट करके रखेंगे तो जो रिसर्चर्स होते हैं उसको बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, ठीक है। पब्लिक को भी, ऐसे पब्लिक जो कि प्लांट्स लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, ऐसे लोग भी इस जगह में जाके देखते हैं, ठीक है। बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन में बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्लांट्स का कलेक्शन रहता है, मेडिसिनल प्लांट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, सोशल वैल्यू वाला प्लांट्स रहते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू वाला प्लांट्स रहते हैं, रेयर प्लांट रहते हैं, एंडेंजर स्पीसीज वाले प्लांट्स, मतलब जो धीरे धीरे नहीं एक्सटिंक्ट होता जा रहा है जिस टाइप का,
ठीक है, बहुत रेयर वाले प्लांट्स, कल्टीवेटेड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, रिलीजियस वैल्यू वाले प्लांट, डेजर्ट प्लांट, अल्पाइन फॉरेस्ट वाले प्लांट, मार्सी प्लांट, एक्वेटिक प्लांट, ऑर्किड्स, लिली, रोज गार्डन, वेराइटी ऑफ बैम्बूज, टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स, ऐसे बहुत सारे। और जैसे डेलिकेट प्लांट्स होते हैं, जैसे नरम, जो ज़्यादा सब जगह में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर नहीं सकती, इसको ग्लास हाउस में उगाया जाता है। और बहुत बड़ा बड़ा हार्बेरियम का कलेक्शन, लाइब्रेरी, ये सब भी बॉटनिकल गार्डन में रहता है। ठीक है, फर्स्ट मॉडर्न बॉटनिकल गार्डन, सबसे पहले बॉटनिकल गार्डन बनाया गया था फ्रांसिस बेनाफेडे, एक साइंटिस्ट थे, सबसे पहले बॉटनिकल गार्डन बनाए थे यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ में बनाए थे। ठीक है, फ्रांसिस बेनाफेडे जो है सबसे पहले यूरोप के बॉटनी के प्रोफेसर भी थे, यूरोप में सबसे पहले फर्स्ट बॉटनी प्रोफेसर भी थे फ्रांसिस बेनाफेडे, उसी ने सबसे पहले बॉटनिकल गार्डन बनाए थे। ठीक है, अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट बॉटनिकल गार्डन। सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है रॉयल बॉटनिकल गार्डन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, जो 1670 में बनाया गया था। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन, बहुत पुराने बॉटनिकल गार्डन वर्ल्ड में है। बहुत ज़्यादा, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें रहता है उसमें। सबसे ज़्यादा कलेक्शन ज़्यादा है रोडोडेंड्रॉन जो है, जैसे बर्फ वाले एरिया में ही पाया जाता है, सब जगह पाया नहीं जाता, मतलब अल्पाइन रीजन में पाया जाता है। तो रोडोडेंड्रॉन का कलेक्शन इस बॉटनिकल गार्डन में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसमें डेलिकेट प्लांट्स को कलेक्ट करने के लिए ग्लास हाउस है, ग्लास हाउस जो है उसमें डेलिकेट प्लांट्स को उगाया गया है। बहुत सारे हर्बेरियम, बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, ब्यूटीफुल रॉक गार्डन है, हिमालयन अल्पाइन प्लांट्स हैं जो कि हिमालय में देखने को मिलता है, ऐसे प्लांट्स का भी बहुत ज़्यादा कलेक्शन है। वुडलैंड गार्डन, पीट गार्डन, हेल्दी प्लांट्स वाले गार्डन्स, मतलब बहुत अच्छा कलेक्शन बहुत बड़े एरिया में है। सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन रॉयल बॉटनिकल गार्डन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। ठीक है, अब हम देखेंगे रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, जो कि 1760 में बना था। ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड, बहुत बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। अब इसके पहले हम जो देखे थे रॉयल बॉटनिकल गार्डन, सबसे ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन था, सबसे पुराना, और सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कौन सा है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड। ठीक है, इस गार्डन में 5 मिलियन हर्बेरियम स्पेसिमेन रखा गया है। ठीक है, पाम हाउस, लिली पॉन्ड्स, रोज गार्डन, अल्पाइन हाउस, ऐसे बहुत सारे अट्रैक्टिव फ्लावर एंड प्लांट्स का कलेक्शन है यहाँ। ठीक है, तो इस गार्डन इतना बड़ा है और इतनी ज़्यादा कलेक्शन है, इसको बोला जाता है कैपिटल ऑफ बॉटनी। इस बॉटनिकल गार्डन को, रॉयल बॉटनिकल गार्डन को बोला जाता है कैपिटल ऑफ बॉटनी। ठीक है, न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन ब्रॉन्क्स USA में भी है, जो 1891 में बना था। ठीक है, अब जो मेन बॉटनिकल गार्डन उसके बारे में मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब देखो इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता, कोलकाता में एक बहुत बड़ा बॉटनिकल गार्डन है, सबसे पुराना बॉटनिकल गार्डन है कोलकाता। ठीक है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता, जिसको जो 1787 में बना था, रॉबर्ट कायड जो है उसको बनाए थे, लेकिन इस गार्डन को बढ़ाए थे, मतलब बनाए थे ये, लेकिन इसको बढ़ाए थे विलियम रॉक्सबर्ग जो है, इसमें बहुत ज़्यादा और प्लांट स्पेसिमेन उगाना और अलग अलग सेक्शन बनाना, ये सब काम किए थे विलियम रॉक्सबर्ग। ठीक है, 273 एकड़ लैंड में ये बॉटनिकल गार्डन बना हुआ है। इसको बोला जाता है, जो इन विलियम रॉक्सबर्ग है, इसको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन बॉटनी बोला जाता है। ठीक है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसका हेड ऑफिस इस गार्डन को बनाया गया है। ठीक है, इस गार्डन जो है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस है। इसमें बहुत सारे हर्बेरियम स्पेसिमेन भी रखा गया है, 25 लाख ड्राइड स्पेसिमेंस इसमें रखा गया है, 2,50,000 ड्राइड हर्बेरियम स्पेसिमेन इस जगह में रखा गया है। ठीक है, और इस जगह में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन क्या है, ग्रेट बनियन ट्री, एक बहुत बड़ा बनियन ट्री है। ठीक है, बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ है, 404 मीटर कैनोपी,
कैनोपी मतलब इतनी जगह को ऊपर का भाग जो है घेरे हुए हैं 404 मीटर, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि बरगद जब जो पेड़ रहते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे रूट निकलते हैं प्लांट से, है ना, जो रूट्स निकलते हैं और प्लांट्स का जितने भी ज़्यादा ब्रांचेस बढ़ता जाता है उसको सपोर्ट देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। तो 250 साल हो गया है इस प्लांट का और 1000 से ज़्यादा प्रॉप रूट, इस रूट को बोला जाता है प्रॉप रूट, मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए बनता है बरगद के पेड़ में, ठीक है। ये जो प्लांट्स होता है इसका ऊपर का भाग जो है 404 मीटर को घेरे हुए हैं, ठीक है, और 1000 से ज़्यादा प्रॉप रूट इसमें बना हुआ है, 250 ईयर एज हो गया है, तो बहुत बड़े एरिया को घिरे हुए हैं ये। बहुत ज़्यादा सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन इस मतलब बॉटनिकल गार्डन का है। इसके अलावा भी पाम हाउस, ऑर्किड हाउस, कैक्टस हाउस, विक्टोरिया रिजिया, पीट गार्डन, हेल्थ गार्डन, स्पाइसेस गार्डन, मेडिसिनल प्लांट्स गार्डन, कॉटन, टी, जूट, मेनी मोर इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट्स इस जगह में रखा हुआ है, ठीक है। ये था बॉटनिकल गार्डन। अब हम देखेंगे जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क जो है इसको क्या बोला जाता है, जू। तो सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क जो है, जूलॉजिकल पार्क किसको बोलेंगे हम लोग, हम लोग जानते हैं कि अच्छा कुछ बॉटनिकल गार्डन अभी बचा हुआ है, जैसे लायोट बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग, ठीक है। दार्जिलिंग जो है हम लोग जानते हैं पहाड़ के ऊपर है, ठीक है। सर अजबे ईडन बनाए थे 1878 में, ठीक है। ये 6000 फीट ऊपर में स्थित है, ईस्टर्न हिमालय जो है उसमें 6000 फीट ऊपर ये गार्डन, बॉटनिकल गार्डन बना हुआ है, ठीक है। तो हम इस जगह में जो बॉटनिकल गार्डन बना हुआ है वो बहुत अलग टाइप का है, क्योंकि हिमालय में जिस टाइप के फ्लोरा पाया जाता है, प्लांट्स पाया जाता है, उसका बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, ठीक है। सिक्किम का जो हिमालय है इसमें नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइनीज, यूरोपियन, जापानीज, मलयाली, मलयान, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, म्यांमार, अफ्रीका, इस सब जगह से बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लांट्स को ला के इस जगह में कलेक्ट किया गया है, ठीक है। बहुत सुंदर बॉटनिकल गार्डन है लायोट बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ 1789 में हुआ है यूपी, ठीक है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बॉटनिकल गार्डन देहरादून, बॉटनिकल गार्डन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद, बॉटनिकल गार्डन सागर यूनिवर्सिटी सागर, गवर्नमेंट गार्डन शिलोंग, गवर्नमेंट गार्डन मैसूर, ये सब गार्डन जो है बहुत बड़े बड़े गार्डन हैं, ठीक है। ऐसे भी लैब में 11-12 के बच्चों का कॉलेज में जो छोटा सा बॉटनिकल गार्डन लगाया जाता है और बहुत सारे प्लांट्स उसमें रखते हैं टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए, लेकिन ये सब गार्डन जो है बहुत ज़्यादा इसमें कलेक्शन है और बहुत बड़े बड़े गार्डन है, ठीक है। अब हम देखेंगे जूलॉजिकल पार्क, जू, ठीक है। जू में क्या रखते हैं, हम लोग जानते हैं बहुत सारे जू, हम लोग कई बच्चे देखे होंगे कि वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट करके रखते हैं उसमें, ठीक है। उस टाइप का वातावरण दिया जाता है और वाइल्ड एनिमल को रखा जाता है, ठीक है। तो चिल्ड्रन के लिए विजिटिंग पार्क भी हो जाता है वो, और बहुत स्टडी के लिए, रिसर्चर के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, ठीक है। अब जू में देखेंगे सबसे पुराना और सबसे बड़ा जू जो होता है वो है दिल्ली में, ठीक है। 1959 में बना था, बहुत बड़ा जूलॉजिकल पार्क है, पूरे एशिया लेवल में बहुत इसका नाम है, बहुत बड़ा एरिया में है करके, ठीक है। 214 एकड़ एरिया में ये जू बना हुआ है, 22,000 टाइप ऑफ एनिमल्स इसमें पाया जाता है, 22,000 टाइप ऑफ एनिमल, यह है दिल्ली में, ठीक है। जूलॉजिकल गार्डन ऑफ इंडिया दिल्ली। इसके बाद मैसूर, मैसूर का जू जो है वो भी बहुत बड़ा होता है, बहुत ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट जू इंडिया में है। राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क पुणे, अलीपुर जू कोलकाता, सबसे पुराना जू जो है अलीपुर जू कोलकाता, सबसे बड़ा दिल्ली में जो सिचुएटेड है, ठीक है। जूलॉजिकल गार्डन नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क उड़ीसा, सब जूलॉजिकल पार्क में बहुत उसका स्पेशलिटी रहता है कि कुछ एनिमल्स जो होता है अलग टाइप का होता है, जैसे नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क उड़ीसा, वहाँ ओरांग ओटांग है, वाइट कलर के पीकॉक है, बहुत सुंदर कलेक्शन है यहाँ का, ठीक है। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में जूलॉजिकल पार्क है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, इसमें भी बहुत अलग अलग वेराइटी
के प्लांट एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे हिमालयन एनिमल्स, टाइबेटियन उल्फ, रेड पांडा, स्नो लेपर्ड, यक, साइबेरियन टाइगर, हिमालयन बियर, क्योंकि ऐसे बर्फ वाले एरिया में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उसका कलेक्शन इस जगह में बहुत ज्यादा है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम, सकरबर्ग जूलॉजिकल पार्क गुजरात, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क आंध्र प्रदेश, एरिग्नर अन्ना जूलॉजिकल पार्क चेन्नई, ये जूलॉजिकल। अब हम देखेंगे टैक्सोनॉमिक की के बारे में। ठीक है, टैक्सोनॉमिक की किसको बोलेंगे? हम लोग तो देखे हैं कि हर्बेरियम, म्यूजियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, ये सब से हम टैक्सोनॉमी का स्टडी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन टैक्सोनॉमी स्टडी के लिए और बहुत सारे चीज़ होते हैं जिससे कि हम बहुत सारे टूल्स ऐसा होता है जिससे भी हमको प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर होता है, मतलब, और टैक्सोनॉमिक स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स ऐसा रहता है जिसमें आपस में बहुत कम डिफरेंस रहता है, तो उसको भी हमको पता करना पड़ता है कि क्या क्या मेन डिफरेंस है, उसके बेस पर उसको अलग क्लासिफाई किया जाता है, जिसको बोला जाता है कपलेट। ठीक है, और कंपेयर मतलब सिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी, ये सब देखते हुए भी टैक्सोनॉमिक स्टडी करने में हेल्प होता है। ठीक है, तो बहुत सारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऐसा रहता है कि मतलब फैमिली का अलग से स्टडी किया जाता है, जीनस का अलग से, स्पेसिस का अलग से, जो कि आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, इसको मतलब ज़्यादातर क्या होता है, टैक्सोनॉमिक की जो होता है एनालिटिकल नेचर का होता है, जैसे फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलग, ये सब कुछ चीज़ें होता है जो कि प्लांट्स की टैक्सोनॉमी के स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए। फ्लोरा एंड फाना के बारे में जब हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो पता चलता है कि उस एक जैसे एक जगह है जहाँ थोड़ा गर्मी, डेजर्ट रीजन है। ठीक है, इस जगह में किस टाइप का फ्लोरा एंड फाना पाया जाता है, उसका हैबिटेट, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, इस सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हमको टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए हेल्प होता है। ठीक है, और इंडेक्स जो होता है, एक पर्टिकुलर एरिया के इंडेक्स के बारे में पता चलता है कि पर्टिकुलर एरिया में किस टाइप के फ्लोरा एंड फाना का डिस्ट्रीब्यूशन है। मैनुअल क्या बोलेंगे? मैनुअल में क्या होता है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन रहता है प्लांट्स एनिमल्स के बारे में। ठीक है, कुछ बुक्स ऐसा पाया जाता है जिसमें प्लांट्स एनिमल्स के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन पाया जाता है, तो उसको भी पढ़ने से हमको टैक्सोनॉमिक स्टडी में हेल्प होता है। ठीक है, उसको बोला जाता है मैनुअल। ठीक है, एक एक पर्टिकुलर एरिया में किस टाइप के स्पेसीज पाया जाता है, पूरा उसका लिस्ट रहता है। ठीक है, मोनोग्राफ, मोनोग्राफ मतलब केवल एक टैक्सोन के बारे में जब हम पूरे डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हम लोग जानते हैं किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास जो रहता है, एक एक टैक्सोन के बारे में बहुत डिटेल जब हमको पढ़ना पड़ता है तो उसको बोला जाता है मोनोग्राफ। कैटलॉग, कैटलॉग में क्या होता है, कुछ बुक्स ऐसा मिलता है जिसमें अल्फाबेटिकली प्लांट्स एनिमल्स का पूरा नाम रहता है और उसके बारे में बहुत अच्छे से दिया रहता है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कैटलॉग, उसको भी, उससे भी हमको टैक्सोनॉमी के स्टडी करने में हेल्प होता है। ठीक है, इंडेक्स, इंडेक्स में क्या होता है, प्लांट्स का नाम बहुत सारे मतलब अल्फाबेटिकली अरेंज भी रहता है, उसके साथ साथ प्लांट्स का नाम, जीनस, स्पेसीज, डिस्कवरी डेट, टाइम, प्लेस, मतलब जैसे हर्बेरियम कलेक्शन में हम लोग लेबलिंग करते हैं, पूरे उस टाइप से अरेंज रहता है बहुत सारा, इसको बोला जाता है इंडेक्स। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारे टूल्स होता है जिससे कि टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए हमको हेल्प मिलता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिक की। इट अ सेकेंड, या थर्ड, फोर्थ,